गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चों आज के क्लास में हम लोग रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ फॉर्म, रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो फुल फ्लेज्ड अकाउंट्स बनता है हमारा, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करेंगे। और आज हम लोग डीके गोयल साहब के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर उनका 32 है, उसको आज सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग नी वैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे और हम लोग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि सेकेंड चैप्टर का लास्ट कॉन्टेंट है, जिसमें आप जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको मिलता है तो वहां पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे परफॉर्म करते हैं, और वहां पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग तीनों अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इस चीजों को हम लोग आलोक देखेंगे। बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले मैं क्वेश्चंस को आपको क्लियर कर देता हूं, अदेन क्वेश्चंस के बाद मैं एक एक अकाउंट्स को क्लियर करूंगा, इसको ध्यान से आप समझेंगे। हम लोग बात करते हैं डीके गोयल साहब के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 32 सेकेंड चैप्टर। बच्चों जो क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज अंडर। क्रेडिटर्स हमारे पास बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास है 2 लाख, जनरल रिजर्व है 1,20,000, कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है 5,70,000, प्रीमिसेज हमारे पास 3 लाख है, मशीनरी हमारे पास 1,80,000 है, स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 2,50,000, बैंक हमारे पास दिया हुआ है 20,000। टोटल जो बैलेंस शीट का जो इक्वल है वो है 8,70,000। मैं फिर से बताऊं बच्चों, डीके गोयल साहब का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जो चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो हमारा क्या है 4:3:3, देन इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है, प्रीमिसेज विल बी एप्रिसिएट 10% एंड स्टॉक भी हमारा इंक्रीज कर गया और प्रीमिसेज भी हमारा इंक्रीज कर गया। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 4%, सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस बाय ₹15,000, मशीनरी विल बी डिप्रिसिएट एट 5%, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 48,000। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा ऐसे जब क्वेश्चंस आपके पास आए तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग तीन पार्टनर हमारे पास हैं ए बी और सी। हम लोग ए को देखते हैं, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। अगर आप फॉर्मूला को देखें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमारा वैल्यू होगा 3/6 - 4/10। ध्यान से देखेंगे 3/6 - 4/10, ठीक है। अगर ये वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो कितना वैल्यू आपका हो जाएगा, वैल्यू आपका हो जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 - 12/30, वैल्यू कितना हो जाएगा 3/30। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव साइन है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पॉजिटिव साइन अगर हो तो क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। चलिए ये क्या कर रहा है,
सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आइए बी, बी की वैल्यू देखते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? 2/6 - 3/6, 2/6 - 3/6। वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसका? 10 - 9/30। तो वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा? 1 - 30, 1 - 30 हमारा वैल्यू निकल गया। तो ए भी पॉजिटिव साइन है और ए भी पॉजिटिव साइन, दोनों क्या हो गया? सेक्रीफाइस। अब निकालते हैं सी की वैल्यू, कैलकुलेट करते हैं। देखिए सी का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हम लोग देखते हैं, 1/6 - 3/10, 1/6 - 3/10। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा? 5 - 9/30, 5 - 9/30। वैल्यू क्या हो जाएगा? -4। वैल्यू क्या हो जाएगा? -4/30। ये कौन सा साइन है? निगेटिव साइन। जब भी निगेटिव साइन होगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? गेन। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड सी क्या कर रहा है? गिव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया कि ए हमारा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है और सी क्या कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है, ध्यान से बोर्ड पर देखें, ए की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू दी गई हुई है, हम लोग यहीं पे गुडविल के जो वैल्यू हमारे पास है, वो गुडविल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 48,000। तो हम लोग ए का जो शेयर है गुडविल में, बी का जो शेयर है और सी का जो शेयर है, उस तीनों को हम लोग यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे तो क्वेश्चंस को बनाने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं, तो ए का जो गुडविल का शेयर होगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे। ए टोटल वैल्यू गुडविल की कितनी है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, 48,000। गौर करेंगे और ए का जो शेयर है वो कितना है? 3/30, 3/30। देन गुडविल की जो वैल्यू हमारी हो गई कितनी हो गई? 4,800। इसी तरीके से बी में आइए, बी में कितना है? 48,000, 1/30। वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कितना वैल्यू हो रहा है? 1,600। सी की वैल्यू कितनी होगी? 48,000 इंटू 4/30, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,400। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि कितने वर्किंग नोट की आपको जरूरत पड़ेगी। पहला हमने क्या किया, ए बी और सी तीनों का रेशियो निकाला, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, और उसके बाद हमने गुडविल को हम लोगों ने क्लासिफाई किया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। एक एक वैल्यू को बुक से देखेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं,
यहां पे क्या होगा डी आर, यहां पे क्या होगा सी आर। चलिए आप देखिए बोर्ड पर, बोर्ड पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग एंट्री करते हैं। यहां पर जो सबसे पहली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्वेश्चंस को देखें, सबसे पहले हम डेबिट साइड की एंट्री करते हैं। डेबिट साइड पर जो एंट्री होगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है डाउटफुल डेट हमारा कितना है 10,000। डाउटफुल डेट कितना हमारा 10,000। चलिए इसके आगे देखिए टू मशीनरी 9,000। मशीनरी कितना हो गया 9,000। इससे आगे देखिए, अब डेबिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अब आप क्या एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में, बाय प्रीमिसेस 30,000। बाय प्रीमिसेस 30,000। आइए और क्वेश्चन में आगे देखते हैं और क्या एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक 10,000। स्टॉक 10,000। इसके बाद बात करते हैं टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 15,000। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी पोस्टिंग मुझे डेबिट और क्रेडिट में करनी थी वो मैंने कर दी है। अब हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। चलिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐड करते हैं टोटल को, देखेंगे कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड को देखते हैं, क्रेडिट साइड में हमारी वैल्यू कितनी हो गई 55,000। ओके, इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 55,000 वैल्यू को यहां पे लिख देंगे। और डेबिट साइड का जो वैल्यू है 10,000 और 9,000 इसको ऐड करेंगे और ऐड करके माइनस करेंगे और उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीड कैपिटल, वैल्यू हमारी जो आएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो इसका कितना कितना वैल्यू है, टोटल वैल्यू का 3/6 ए को मिलेगा, 2/6 किसको मिलेगा बी को मिलेगा, और 1/6 किसको मिलेगा सी को मिलेगा। चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 18,000। इस वैल्यू को आप यहां भी लिख सकते हैं, टोटल को ऐड करके भी यहां लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितना है 12,000। एंड थर्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 6,000। देखिए बच्चों ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जनरली हमने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि जो एसेट्स लायबिलिटी है, जो कैपिटल है, हम यहां पर सिर्फ एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री करते हैं। हमने आपको जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगले क्लास में मैं प्रयास करूंगा बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और मैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
मैं आपको और बनाता हूं और बैलेंस शीट आप लोग खुद प्रिपेयर करेंगे। ओके चलिए देखते हैं। बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, जैसे इवैल्यूएशन अकाउंट पे हमने फॉर्मेट बनाया है, इसी तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। ओके यहां पे क्या दिखाएंगे, डीआर साइड, यहां पे क्या दिखाएंगे, सीआर साइड, यहां पे दिखाएंगे पार्टिकुलर ए बी एंड सी, यहां पे फिर दिखाएंगे पार्टिकुलर ए बी एंड सी। ओके चलिए पोस्टिंग करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली पोस्टिंग होती है पार्टनर जो पैसा बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। चलिए पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया देखते हैं क्वेश्चन में। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी देखते हैं क्वेश्चन में, इन्हें कितना किया है, 3 लाख ए ने किया है, 3 लाख बी ने किया है, 1,50,000 और सी ने किया है 1 लाख। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट है जनरल रिजर्व की, चलिए जनरल रिजर्व की भी ट्रीटमेंट करते हैं। बाय जनरल रिजर्व क्वेश्चन में देखते हैं, जनरल रिजर्व हमारा क्वेश्चन में 1,20,000 है, और 1,20,000 को ट्रांसफर करते हैं हम लोग 60,000, 40,000 एंड 20,000। ओके चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हम लोग को आया था उसे ट्रांसफर करते हैं। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट देखते हैं कितना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट में हमने लिख करके रखा हुआ एक जगह 18,000, 12,000 दिखाइए, 18,000, 12,000 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम लोगों को कितना आया हुआ है 6,000, कितना आया हुआ है 6,000। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, वहां से वैल्यू हम लोग लेकर के आ रहे हैं, वहां से वैल्यू हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग जो एंट्री पास करते हैं, मैंने आपको बताया था गेनिंग और सेक्रीफाइस का, और वहां एंट्री क्या था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन हमारा कौन कर रहा था, सी, तो सी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए एंट्री पास करते हैं। एंट्री जब पास करेंगे तो क्या होगा, बाय इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया हुआ है, सी कैपिटल अकाउंट जरा देखिए वैल्यू कितनी थी, 4,800 और हमने कितना कैलकुलेट किया था 1,600। वेल अब ये जो एंट्री होगी एंट्री क्रेडिट साइड में भी पोस्टिंग की जाएगी, कैसे, टू एज
कैपिटल अकाउंट, ओके। और ये पैसे कहां जाएंगे, सी के अकाउंट में। ध्यान से देखिए, 4800, ओके। दूसरा क्या होगा हमारा, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कहां पे पॉजिटिव होंगे इसकी, 1600, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। एकदम इसके सामने में चलिए देखते हैं, ये को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ये को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3,82,800, ओके। चलिए बी को कैलकुलेट करते हैं, 2,03,600, ओके। एंड सी की वैल्यू देखते हैं, सी का 1,20,000 और 6,000, टोटल 1,26,000, ओके। इस तीनों वैल्यू को यहां पोस्ट करते हैं, 3,82,800, 2,03,600 एंड 1,26,000, ओके। अब क्या करना है, पार्टनर्स की बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करते हैं तो क्या करते हैं, टू बैलेंस सीडी, यहां पे सेम वैल्यू, ओके, यहां पे 203 और यहां पे 1,26,000, यहां पे इस वैल्यू में से इस दोनों वैल्यू को माइनस कीजिए, 126,000 में से 4,800 और 1,600 को ऐड करेंगे, और ऐड करके माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1,19,600। बच्चों ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है, और आप बैलेंस शीट को थोड़ा खुद ब खुद प्रयास करेंगे, बैलेंस शीट को कैसे हम बनाएं आपका प्रैक्टिस होगा अगले क्लास में। अभी मैं आपको जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म में जो टॉपिक है इसको मैं और भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, और भी कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और देन उसके बाद हम लोग एडमिशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए ओके, थैंक यू, गुड डे।